हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर सेकंड समझा रहा हूँ। और चैप्टर सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसमें क्वेश्चंस जो आएंगे, टॉपिक आज मेरा है चैप्टर सेकंड का न्यूट्रिशन, डाइजेशन और डिफरेंस वेज ऑफ टेकिंग फूड, ये चीज़। तो फर्स्ट चैप्टर में जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के विषय में मैंने आपको समझाया था किस तरीके से प्लांट्स के लिए ज़रूरत होती है अपने न्यूट्रिशंस को प्राप्त करने की, और जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें और सही रहें। इसी प्रकार से प्लांट्स के ही जैसे प्लांट्स के बारे में था, वैसे ही हम न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स है, एनिमल्स में आप हम सभी आ जा रहे हैं, तो एनिमल्स प्लस हम आप सभी। तो किस तरीक़ा से हम अपने फूड्स को टेक करें और जिससे कि हमें सारे वो न्यूट्रिशंस मिल सकें, और जिस प्रकार और मिलने पर हमारी ग्रोथ और स्वस्थ है ठीक रहे। तो इसमें पहला टॉपिक ये मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो वही है फर्स्ट में ये रखा है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन जो टेक करते हैं ऑर्गेनिज्म, बाय द ऑर्गेनिज्म द्वारा जो न्यूट्रिशन लिया जाता है एंड इट्स और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, यानी कि उनका उपभोग किया जाता है, उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है बाय द बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा, यानी कि एनिमल्स की बॉडी के द्वारा। जैसे कि मान लो हम खाना खाते हैं, खाने में बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिशंस प्रॉपर वे में रहें। और कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर डे हम एक सब्जी ही खा रहे हैं, हरी सब्जी खा रहे हैं तो हरी सब्जी खाते रह रहे हैं, दाल खा रहे हैं तो दाल खाते रह रहे हैं, ऐसा नहीं। बैलेंस डाइट का मतलब है उसमें आपके पास प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, यानी कि हर तरीके से न्यूट्रिशंस उसमें मिलना चाहिए। और जब सही बैलेंस डाइट होगी तभी एनिमल्स का हुआ या हमारा आपका हुआ जो बॉडी स्ट्रक्चर है और बॉडी की ग्रोथ है वो प्रॉपर वे में सही रहेगी। तो यहीं पर ये कह रहा है कि जब बॉडी क्या करना है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, न्यूट्रिशंस इज मोड ऑफ टेकिंग फूड, न्यूट्रिशंस हमें जो हमारी बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को टेकिंग फूड के द्वारा जो मिलते हैं और वो उसका उपभोग यानी कि उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी करती है जिससे हम सही से अपना स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। ऐसे इसमें अब जो चीज़ हमने खा ली उसका डाइजेशन भी होता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उसका डाइजेशन हमारे स्टोमक में गया, स्टोमक में एक डाइजेशन सिस्टम बना, डाइजेशन सिस्टम माने पाचन तंत्र होता है। जो भी हम फूड टेक करते हैं, हम खाते हैं, तो वो चीज़ हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाकर वहाँ पर डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो हम भोजन के रूप में फूड खाते हैं, इनकी खा लेते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के रूप में होता है। ऑफ फूड इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इनकी वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। जब डाइजेशन होता है तो वो कॉम्प्लेक्स जो हम जिस हिसाब से भोजन ग्रहण करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के रूप में होता है। और इस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के रूप में होने पर हमारा डाइजेशन सिस्टम उसके लिए सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, यानी कि छोटे छोटे उसमें साधारण सब्सटेंस में तोड़ देता है, और यही इसी को ही हम डाइजेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, यानी कि ब्रेक डाउन कर देना है कि तोड़ देना, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ, जैसे ये चीजें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट सब्सटेंसेस हैं, इसे मैं
एक चैन ऊपर दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कह सकते हो या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स कह सकते हो, इसका ब्रेकडाउन हो गया और ये टूटकर सिंपल सब्सटेंसेस में आ जाएंगे, और जो सिंपल सब्सटेंसेस है इसका मतलब उसका डाइजेशन हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे डाइजेशन। आया समझ में? तो मैं समझता हूँ शायद आया होगा समझ में। फिर से देख लीजिए डाइजेशन किस प्रकार है, एक बार मैं आपको बस से बता दे रहा हूँ कि जब हम भोजन टैग करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका जो भोजन होता है हमारे शरीर जो पेट में जाता है वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के रूप में। उसके लिए क्या है डाइजेशन, जो हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम जो है उसे सिंपल छोटे यानी कि साधारण सब्सटेंसेस के रूप में तोड़ देता है, और उसके तोड़ने पर ही वो क्या है मतलब उसका डाइजेशन हो जाता है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ओके, अब आया डिफरेंस वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब कई प्रकार से अलग अलग तरीके होते हैं फूड को ग्रहण करने का, तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब एनिमल्स हैं, कोई बर्ड्स है, कोई भी हुआ अपने अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम आप सीधे पकाकर भोजन ग्रहण करते हैं, और एनिमल्स अदर एनिमल्स कच्चा भी भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे और अदर एनिमल्स घास वो भी इसी हिसाब से कच्चे भोजन को करते हैं, उनके लिए वो भोजन है। हम लोग जो टेक करते हैं भोजन लेते हैं भोजन, वो हमारा जो पका कर हम लोग भोजन लेते हैं, तो उसी तरह इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको डिफरेंस वेज ऑफ टेकिंग फूड की, अलग अलग तरीके से हम फूड को ग्रहण करते हैं। वो क्या है बीज, बीज और हमिंग बर्ड्स, ये क्या है सबका नेक्टर। जो बीज होते हैं और हमिंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं सबका नेक्टर, नेक्टर के द्वारा यानी कि सब करते हैं नेक्टर के द्वारा वो भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे ही स्नैक्स, स्नैक क्या है स्वालो, वो क्या है स्वालो माने ये स्नैक क्या होता है कि अगर जैसे कि आपने कभी देखा होगा स्नैक एक फ्रॉग को या फ्रॉग जब वो पकड़ लेता है तो फ्रॉग बोलता रहता है, लेकिन वो छोटे हल्के हल्के वो अंदर स्नैक उसके अपने अंदर लेता जाता है, मुंह के अंदर ले जाएगा, उसे बोलते हैं स्वालो। यानी कि स्नैक जो होता है जो सर्प होता है वो भोजन को अपने भोजन को पकड़ कर सीधे हल्के हल्के उसे निगलता रहता है। ठीक है, अब सम एक्वाटिक एनिमल्स, जंतु कुछ जंतु है मतलब सम एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं जलीय जंतु भी होते हैं, तो क्या है डिफरेंट किडनी फूड्स वो अपने आप में कैसे ग्रहण करते हैं। जैसे स्नेल, स्नेल क्या करता है स्क्रैपिंग, स्नेल क्या होता है अपने भोजन उस जो भोजन करता है उसे कहते हैं हम स्क्रैपिंग। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई स्पॉन्जिंग, हाउस फ्लाई क्या उसे हम क्या बोलते हैं स्पॉन्जिंग बोलेंगे, और ईगल वो कैप्चरिंग, वो कैप्चरिंग ईगल क्या करता है वो कैप्चरिंग करता है। जैसे ईगल आपने देखा बाज, अभी आपने मूवी वगैरह में या टीवी पर आप देखेंगे आपका चैनल जो आता है अभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया डिस्कवरी पर, तो उसमें आप ईगल क्या होता है कि अपने पंजों से उस चीज़ को पकड़ लेता है, तो उसे कहते हैं कैप्चरिंग ऑफ कैप्चरिंग, तो वो उस तरीका से अपने भोजन को पकड़ के अपना ग्रहण करता है। तो ये चीज़ थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन किस तरीका से होता है, उसका फिगर बनाकर मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से उसके लिए बस आज इतना ही देख इतना ही इसके लिए समझें, और कोशिश करें अगर आपके पास बुक है तो इसके चैप्टर्स को कोशिश करें कि एक बार अपने आप में रीडिंग लगाएं और उसमें सोचें कि हाँ ये इसका बहुत सा मीनिंग ऐसे भी होते हैं जो आपको अपने आप भी आ जाएंगे, और बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसा है। ओके, आज बस इतना, थैंक यू।